हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एमएनएस प्रेप चैनल डेडिकेटेड टू एमएनएस एस्पिरेंट्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू नेक्स्ट मंथ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, दैट इज अगस्त 2022 मंथ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। एंड इन दिस वन सिंगल वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू मिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड करंट जीके क्वेश्चंस इन एमसीक्यू फॉर्मेट। सो बेसिकली अप्रॉक्स 40 questions I'm going to provide you from this single month current affair, and that is enough for you to prepare for your MLS exam. Okay, so let's get start. The very first question is, Asia ki sabse richest woman kaun hai according to the Bloomberg Billionaires Index. So as per Bloomberg Billionaires Index, the richest woman in Asia is, options aapko given hai, Savitri Jindal, Kiran Majumdar Shaw, फाल्गुनी नायर या फिर राधा वेमु। तो इसका करेक्ट आंसर है सावित्री जिंदल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ऐसे ट्रिक भी मैं आपको इसमें, मतलब ये मेरा एक फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा कि करंट अफेयर में भी मोस्टली मैं ट्रिक्स आपको बताऊं, अगर पॉसिबल हो सकेगा तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लर्न करने के लिए एक ट्रिक लगा सकते हो, जैसे जिंदल जो दिल से जिंदा दिल होते हैं वो सबसे रिचेस्ट होते हैं ना, कहने का मतलब ये है। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो सावित्री जिंदल विच इज द रिचेस्ट वुमेन इन एशिया। नेक्स्ट वन इज, जस्टिस श्री कृष्ण कमिटी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच बिल। तो ये जो श्री कृष्ण कमिटी है वो इनमें से किस बिल से रिलेटेड है। ऑप्शंस आपको गिवेन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है, फैमिली कोर्ट्स बिल से, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन से, या फिर इंडियन आर्किटेक्ट एंटार्क्टिक बिल से। सॉरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। और ये न्यूज़ में भी है काफ़ी, क्योंकि साइबर क्राइम्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स जो हैं या कुछ ऐप्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कहीं दूसरी जगह हमारी, तो इन्फॉर्मेशन लीक होने का भी डर रहता है। तो इस वजह से ये जो श्री कृष्ण कमेटी है वो बनाई गई है। तो ये किससे रिलेटेड है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दैट इज NTCA। तो ये जो अथॉरिटी है हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीलोकेशन ऑफ चीतास फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया। तो ऑल यू नो, इंडिया के अंदर जो चीता है वो इंडिजिनियसली, मतलब इंडिया के अंदर एक भी चीता नहीं है, मतलब एक्सटेंट हो चुके हैं। अब चीता जो है या तो एशिया के ईरान में मिलेगा या फिर अफ्रीका में। तो हम साउथ अफ्रीका की कंट्री नामीबिया से मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में लेके आ रहे हैं, ठीक है, चीतास को। तो ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये पार्टनर करेगी इनमें से किस कॉरपोरेशन या अथॉरिटी के साथ, ताकि चीतास को इंडिया अफ्रीका से लेके आ सके। ऑप्शंस आपको गिवेन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन या फिर NTPC। तो डाउट आपके मन में ये आ रहा होगा कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी तो ठीक है क्योंकि टाइगर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर या तो नेशनल पार्क की कोई अथॉरिटी हो कि या फिर यूनियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, वो होती तो समझ में आता। ये जो ऑयल कॉरपोरेशन या पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है इनका क्या यूज़ इसमें, यू नो बेसिकली इससे क्यों पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑयल जो है वो इंडिया के अंदर कितना प्राइस है उसका। तो ये जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ही भारतन, जो नवरत्न कंपनीज़ हैं उनमें आती है, मतलब इनके पास पैसा ज़्यादा है, तो ये हमें सपोर्ट कर सकती है उस चीज़ में, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट इसमें ज़्यादा चाहिए होगा कि हम अगर अफ्रीका से चीता ला रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन प्लस उसको ख़रीदा जा रहा है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, तो उस सब का खर्चा टोटली मिला के वो अकेला जो कंजर्वेशन अथॉरिटी वो नहीं यू नो झेल सकता। तो इसलिए इनके साथ जो पार्टनर की है वो जो कॉरपोरेशन है दैट इज ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो इंडिया जो नेशनल टाइगर अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर चीता को लाने में मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय 750 गर्ल्स अक्रॉस 75 रूरल स्कूल्स टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो। तो इनमें से कौन सी सैटेलाइट है जो कि इन 750 गर्ल्स ने डेवलप की है और ये इसरो के थ्रू लॉन्च भी की जाएगी। ऑप्शंस आपको गिवन है, भारत सेट, उसका नाम क्या रखा है ना, आज़ादी सेट, ग्राम सेट या फिर कम्युनी सेट।
हालांकि रूरल एरिया से है, बट इसका नाम ग्राम सेट नहीं है, बस ये आपको लर्न रखना है। बाकी तो ऑप्शंस आप इजीली आंसर से पता कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, आज़ादी सेट। ठीक है, आज़ादी सेट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द बड़े चलो कैंपेन। इनमें से किस यूनियन मिनिस्ट्री ने ये जो कैंपेन है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है बड़े चलो। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एज आई ऑलरेडी सेड, मोस्टली जो आपके कैंपेन्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो यूनियन मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री लॉन्च करते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस वो जो मिशन है या फिर जो कैंपेन है या प्रोग्राम है वो ऐसा होना चाहिए जो कन्फ्यूजिंग हो, मतलब जैसे बड़े चले हो, बड़े चलो में पता नहीं चल रहा है किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। लाइक न्यूट्रिशन होता तो समझ में आता कि वुमेन से रिलेटेड हो सकता है या फिर कुछ न्यूट्रिशन वाले मिनिस्ट्री से है ना, लेकिन फूड कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री से, लेकिन यहाँ पर बड़े चलो से मतलब नहीं समझ में आ रहा कि किस मिनिस्ट्री। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपको गिवन है यूनियन होम मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर या फिर MSME मिनिस्टर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज कल्चर मिनिस्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कल्चर मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है बड़े चलो कैंपेन। ठीक है, और ये बड़े चलो कैंपेन जो है वो किसके तहत लॉन्च किया गया है, आज़ादी के अमृत महोत्सव, जिसमें हमारे 75 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं इंडिपेंडेंस डे के। तो इसमें लिखा है नीचे बड़े चलो कैंपेन, लहरा दो हर घर तिरंगा, ठीक है, फहरा दो। तो ये इसका थीम है। नेक्स्ट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दैट इज OPOD स्कीम। इनमें से किस मिनिस्ट्री ने ये स्कीम लॉन्च की है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ऑप्शंस गिवन है MSME, कॉमर्स, होम अफेयर्स या फिर फाइनेंस। इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये स्ट्रेट क्यों नहीं मेरे से हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसने ये लॉन्च किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ग्रैंड ओनियन, ओनियन नहीं, ऑनियन चैलेंज, द ग्रैंड ऑनियन चैलेंज। इनमें से किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपको गिवेन है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री या फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ऑनियन को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, है ना, उसको हम कंज्यूम का मतलब होता है उसकी खपत या फिर उसको यूज़ करना, कंज्यूम करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। इजी है लर्न करना। नाउ इंडिया का टारगेट क्या है काला अजहर को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए इंडिया से बाहर। तो काला अजहर होता क्या है, काला अजहर एक वूफिंग कफ है जो कि प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है, प्रोटोजोआ ऑल यू नो, जो प्रोटेस्ट में आता है, यूनिसेलर यूकैरियोट्स। और जो प्रोटोजोआ है जिसका नाम जो काला अजहर जो कॉज करता है दैट इज लेस्मेनिया। लेस्मेनिया कॉज करता है काला अजहर जो कि एक प्रोटोजोआ है। तो जो टारगेट है इंडिया का वो कितना है, 2023 तक। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पोर्ट तांगुंज, तांगुंज बिनोआ, वेयर INS सुमेधा विजिटेड रिसेंटली फॉर मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये जो पोर्ट तनुजा ये कहाँ लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी ओमान। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, बाली इंडोनेशिया में ये लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL इज मैंडेटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर वैसे RBI है बट नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच इंडियन आर्म फोर्सेज लॉन्च्ड द हिम ड्रोन अ थोन प्रोग्राम, द हिम ड्रोन अ थोन प्रोग्राम। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है ड्रोन का। ठीक है,
हिम ड्रोन अथोन, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इंडियन बैंक हैज पार्टनर्ड विद, ओके 13 क्वेश्चन, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो शायद डबल बार रिपीट हो गया, 11 11 है ना, 10 10 छूट गया, नो इशू। विच इंडियन बैंक हैज पार्टनर्ड विद टेरिट्स या फिर TREDS प्लेटफॉर्म M1 एक्सचेंज? करेक्ट आंसर एज यू कैन सी इन दिस इमेज HDFC, बट स्टिल अगेन दो क्वेश्चंस जो आपके बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैंने खुद पर्सनली अपने किसी भी मंथली करेंट अफेयर में बैंक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पुट किया। यहाँ पर मेरे को थोड़ा देखने में मिस्टेक होगी, मैं इसे डिलीट नहीं कर पाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बाय द वे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से जो पहली वुमेन चीफ बनी है CSIR की, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, कौन सी हैं? ऑप्शंस आपको गिवन है डॉक्टर एन कलई सेल्वी, मार्गरेट अल्वा, डॉक्टर रजनी रघुनाथ या फिर जयश्री सत्यनारायण। इसका जो करेक्ट आंसर है दिस यू हैव टू नो मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, सर्च करना इसे, ये आपका होमवर्क है ना, कुछ होमवर्क के लिए भी होना चाहिए ताकि आप बच्चों से यू नो इम्पॉर्टेंट है इसलिए सर्च करने के लिए दिया है। नेक्स्ट इज रूपल चौधरी हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो आपसे पूछ सकते हैं कि 2 मेडल्स किसने जीते हैं U20 एथलीट्स में, और दूसरा ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि रूपल चौधरी जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिले एंड स्प्रिंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल ऑब्जर्व ऑन विच डेट, ये क्वेश्चन रेयरली आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं बट इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको डेज एंड थीम्स वाली वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की है, बिकॉज बच्चों ने बोला था कि डेज एंड थीम्स पर वीडियो प्रोवाइड करना, तो वो रीसेंट वीडियो है जिसमें मैंने आपके जुलाई तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज एंड उनके साथ साथ जो अपडेटेड थीम्स हैं वो मैंने प्रोवाइड की है, तो एक बार जाके वो वीडियो देख लेना, अदरवाइज़ मैं लिंक मैं भी आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, दैट वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज वर्बली बताए हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, होप सो आपने वो लर्न कर लिए होंगे, है ना, एक्चुअली वो आपके लिए होमवर्क ही था जिसमें आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी डेज आते हैं वो लर्न करने थे, अब इसमें रिपीट नहीं कर रही बट आपको लर्न होने चाहिए वो डेज, ठीक है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9th of August, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर August 15, 2022 इंडिया हैज हाउ मेनी रामसर साइट्स, रामसर प्लेस इन ईरान जो कि रामसर कन्वेंशन हुआ था जिसके तहत जितने भी मार्शी एरियाज हैं वेटलैंड हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, और इसके कन्वेंशन के तहत अब जो रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर एज ऑफ 2022 August 15 कितने रामसर साइट्स इंडिया के अंदर हैं एट प्रेजेंट, सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो आपसे रामसर का स्टैटिक GK से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रामसर कन्वेंशन कब आया था ये आपको गूगल पर सर्च करके लर्न करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी एक बार बता देना कब आया था, क्योंकि शायद पिछले वाली वीडियो में 1986 बताया बट दैट इज़ रॉन्ग, तो आपको खुद सर्च करना है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डेट कब आया था, ठीक है, लॉ ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आया था। रामसर जो है वो कितने हो गए आप, 75 रामसर साइट्स हो गई इंडिया के अंदर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जिसमें पहला है चिलिका और राजस्थान का जो लेक है रामसर केवल है दियो, ओके नेशनल पार्क जो है वो रामसर साइट है, फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज सबमिटेड इट्स फाइनल रोड मैप टू रिस्टोर इट्स न्यूक्लियर डील विद वर्ल्ड पावर्स, एक्चुअली काफ़ी न्यूज़ में ये बना रहा था जब डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने ईरान के जो सीनियर मोस्ट मिलिट्री के ऑफिसर हैं उनको मरवा दिया गया था ड्यू टू दिस ओनली न्यूक्लियर पावर, क्योंकि वो एक्टिवली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे इस वजह से, बिकॉज अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आए। तो इनमें से किस कंट्री ने रोड मैप स्टोर किया है न्यूक्लियर डील्स के लिए, ऑप्शन इज अगेन
ऑप्शन ए दैट इज ईरान. नेक्स्ट इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड बतुकम्मा सारी स्कीम. बतुकम्मा नाम का एक फेस्टिवल भी है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया और ये बहुत ही सिंपल. बतुकम्मा जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना के अंदर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो ऑब्वियसली सारी कहाँ पर होंगी ये बतुकम्मा नाम से, दैट इज तेलंगाना. सिंपल. नेक्स्ट इज हम्बनटोटा. हम्बनटोटा पोर्ट आपको पता ही था कि श्रीलंका के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें एक ये भी रीज़न था कि हाँ जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो लीज पर लिया था चाइना ने, और क्योंकि कर्जा सॉरी लीज पर लिया था श्रीलंका ने लीज पर दिया था, अब क्योंकि वो कर्जा नहीं चुका पा रहे तो ये 99 ईयर्स के लिए चाइना के पास रहेगा. तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ पर ये लोकेटेड है, दैट इज श्रीलंका. सो हम्बनटोटा पोर्ट लोकेटेड इन श्रीलंका. चाबार पोर्ट कहाँ पर है कमेंट में बताइएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. विच स्टेट लॉन्च्ड विद्यारथ स्कीम ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट. ये विद्यारथ स्कीम कहाँ पर लॉन्च की गई है, इसका करेक्ट आंसर है आसाम. ठीक है, तो विद्यारथ ऐसे याद करो रथ जिसमें घोड़े का रथ होता है ना, जिसमें व्हील्स होते हैं. तो अगर व्हील्स होंगे तो एजुकेशन को दूर दूर तक फैलाना या फिर प्रमोट करना आसान हो जाएगा, है ना. तो असम मतलब आसान. तो जो चीफ मिनिस्टर है आसाम के, उन्होंने ये लॉन्च किया है स्कीम. ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है असम के, हेमंत विश्वा शर्मा. ओके, हेमंत विश्वा शर्मा. तो यहाँ के ये सीएम हैं असम के. नेक्स्ट इज विच स्टेट लॉन्च अ नेशनल मिशन टू मेक इंडिया नंबर वन. तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मिशन टू मेक इंडिया वन है ना, प्रोग्राम का नाम है मेक इंडिया वन. ये किसने लॉन्च किया, न्यू दिल्ली ने. विच मेजर सेंट्रल बैंक अनाउंस दैट इट वुड हार्मोनाइज हाउ मैनी ऑफर क्रिप्टो एसेट्स. अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने रिविजिट नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम टाइम स्पेस, इसकी वजह से ये क्वेश्चन इसमें ऐड हो जा रहे हैं. विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक पीरियड प्रोजेक्ट्स फ्री टू ऑल. नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन इम्पॉर्टेंट एज इट रिलेटेड टू द करेंट सिचुएशन, दैट इज पीरियड्स इन सैनिटरी. तो उसकी वजह से इनमें से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वैसे तो इनमें से किस कंट्री ने जो सैनिटरी पैड्स हैं उनको फ्री किया है सबके लिए. ऑप्शंस आर न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फिनलैंड. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड, ठीक है. नेक्स्ट इज विनबेक्स. विनबेक्स जो एक वियतनाम और किसके बीच में ये फॉरेन आर्मी की एक्सरसाइज है. तो दिस इज़ वेरी सिंपल ना, वियतनाम एंड इंडिया. वी आई फॉर वियतनाम, सॉरी वी फॉर वियतनाम, आई फॉर इंडिया, आई एन फॉर इंडिया. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वियतनाम इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज. नेक्स्ट, केन्या के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विलियम रूटो. विलियम रूटो. नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज रिसीव्ड अगस्त्यावलाई एलिफेंट रिजर्व एज इट्स फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व. अगस्त्यावलाई वर्ल्ड एलिफेंट्स डे है ना, उसके बिहाफ पर. अब यहाँ पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु रखा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो रिसीव किया है वो तमिलनाडु ने किया है, ऑप्शन डी. अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है यार, अगस्त्यावलाई जो एलिफेंट रिजर्व है वो कहाँ पर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो तमिलनाडु में होगा ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज विच एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्को लिस्ट. इनमें से किस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को यूनेस्को लिस्ट में ऐड किया गया है इंडिया की तरफ से. ऑप्शंस ए इज मद्रास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, वेन्यू पप्पू एडमिनिस्ट्रेशन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, IUCAA गिरावली, या फिर बिहार. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिहार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वेटरी. दिस वन इज बिहार.
नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया. रूटो कहाँ पर बने हैं प्रेसिडेंट? केन्या के, याद रखना. अब प्रेसिडेंट आपसे पूछा है किसके, केन्या की कैपिटल क्या है? केन्या की कैपिटल है नायरोबी. यहाँ पर पूछा है कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट. सो कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है गुस्टेवो पेट्रो. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गुस्टेवो पेट्रो. नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल इनॉग्रेटेड इन विच सिटी. इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कहां पर इनॉग्रेट की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कोलकाता. नेक्स्ट इज हु विल बिकेम द 49th चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. 49th चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जस्टिस एस के कॉल, जस्टिस एस अब्दुल नाजीर, जस्टिस डी वाई चंद्रचौड़ या फिर जस्टिस यू यू ललित. सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. जो नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं दैट इज जस्टिस उदय उमेश ललित. उदय उमेश ललित. नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपसे जस्टिस के नाम पूछ लिए जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. दानूरी इज द जो मून मिशन है ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है? अब इम्पॉर्टेंट क्या है, नाम और किस कंट्री ने लॉन्च किया है. तो ये किस कंट्री का मिशन है? साउथ कोरिया का. तो साउथ कोरिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट मून मिशन, उनका ये पहला मून मिशन है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट. किसका है? साउथ कोरिया का. नाम क्या है? दानूरी. नेक्स्ट वन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन गोल्ड एट अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप. सो दिस क्वेश्चन इज अगेन आई मस्ट से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक तो इन्होंने गोल्ड जीता है रेसलिंग में और वो भी पहली वुमेन है, तो दोनों क्वेश्चन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है. सो पहली इंडियन वुमेन रेसलर जिन्होंने गोल्ड जीता है अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो इसका करेक्ट आंसर है अनितम पंगल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अंतिम पंगल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. दही हांडी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल स्पोर्ट्स इन विच स्टेट. अब काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, या तो उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या गुजरात, इन्हीं में से हो सकता है, दिल्ली नहीं हो सकता. तो स्टेट पूछा है दही हांडी जो रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट्स जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है, ये किस स्टेट को रिकॉग्नाइज दिया है, रिकॉग्नाइजेशन दिया है? इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज महाराष्ट्र. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो लर्न आप ऐसे कर सकते हो, महान फेस्टिवल है ये, बहुत ऊंचाई पर दही हांडी रखते हैं और उस पर बॉयज एक दूसरे के ऊपर बहुत सर्कल्स में चढ़ते जाते हैं और लास्ट में वन सिंगल बॉय विल हिट दैट दही हांडी और उसको फोड़ते हैं. तो ये एक्चुअली ये महाराष्ट्र का है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर IAC. करेक्ट आंसर आपको बताना है, इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? दैट इज INS विक्रांत. और सबसे बड़ा कौन सा है? दैट इज INS विराट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. विच डांस फॉर्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट. सो दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट. यूनेस्को साइट्स भी बड़ी हैं इंडिया के अंदर, इंटेंजिबल एंड मॉन्यूमेंट्स कल्चरल हेरिटेज साइट्स दोनों को मिलाकर के. तो आफ्टर द वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा के बाद ये दिया गया है टैग जो है वो गरबा को, दैट इज़ गुजरात का जो डांस फॉर्म है. सो जो डांस फॉर्म है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज इंस्क्राइब किया है एज यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, दैट इज गरबा गुजरात. लावनी कहाँ का है आप बता सकते हो? जो लास्ट ऑप्शन आपको गिवन है लावनी, ये कहाँ का डांस फॉर्म है, किस स्टेट का? नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट कॉम्पोजिट शूटिंग रेंज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट. इनमें से कहाँ पर पहली कॉम्पोजिट शूटिंग रेंज इनॉग्रेट की गई है बाय द इंडियन आर्मी,
ऑप्शंस आर INS कालिंग, INS विराबू, INS सिरास या फिर INS करना। सो इसका करेक्ट आंसर है INS करना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, हु हैज बीन अवॉर्डेड यूनेस्को पीस प्राइज, इंपॉर्टेंट है ना, पीस प्राइज लेटेस्ट ही किसको दिया गया है। नाउ दिस इज नोबेल पीस प्राइज नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज यूनेस्को पीस प्राइज है ना। यूनेस्को के लिए पीस प्राइज किसको दिया गया है, ऑप्शंस आपको गिवन है इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, एंजेल मार्केल जो कि जर्मनी की चांसलर है, चांसलर रह चुकी हैं, वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की या फिर जो बाइडेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, एंजेला मार्केल, ओके, फॉर्मर गवर्न चांसलर ऑफ जर्मनी। सो गाइज दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। वी हिट 48,000 सब्सक्राइबर्स रिसेंटली एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ह्यूज सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।